देखिए, आपको जैसे पता ही है कि तेनाली जितनी भी इम्पॉसिबल चीज़ें हैं उनको पॉसिबल कर देते हैं। जो नॉर्मल लोगों के पास उपाय नहीं होते वो सारे वो हल करते हैं। और यहाँ पे एक और जो है वो चुनौती आई है, जहाँ पर उनको हवा में महल बनाना है, विच इज़ इवन साउंडिंग वेरी इम्पॉसिबल। सो फॉर दैट यू हैव टू सी इट कि हाउ ही मेक थिंग्स वर्कआउट। वो तो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे करते हैं, बिकॉज यू नो कि उनका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो यही तो फन है कि मतलब कैसी चीज़ें होंगी आगे, कैसे प्रॉब्लम का सलूशन होगा। इसके लिए आई थिंक यू शुड स्टिक टू दी योर टेलीविजन एंड वॉच इट। फैमिली है उनको आइडियाज़ देने के लिए, वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा चलते हैं एंड ही इज़ लेज़ी, बट वो अपने एक ही चीज़ की वजह से जाने जाते हैं जो कि चतुराई है। तो यही उनकी बेस्ट क्वालिटी है। तो ये तो फैमिली के लिए बहुत आम सी बात है, बिकॉज जैसे उन्होंने हमें बताया कि वो जेल में चले गए हैं, तो हम लोग को ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं, बिकॉज वो आए दिन जेल में रहते रहते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है और फिर वो वापस भी आ जाते हैं। तो एज अ फैमिली वी डोंट केयर अबाउट इट कि वो चले भी गए हैं तो इट्स ओके। फैंस के बाद के लिए हम लोग खाली एक ही मैसेज देना चाहेंगे कि हम लोग एज अ टीम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और आई थिंक आपकी मेहनत की वजह से ही हम अभी तक बरकरार हैं। शो को 2 साल से ऊपर हो गया है, तो आप ऐसे ही देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ और हम आपके लिए ऐसे ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहेंगे और खूब